दोस्तों इंडियन बैंक का अगर आप एटीएम कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करके लेना चाहें तो आप ऑनलाइन अप्लाई करके ले सकते हैं। पहले यह ऑप्शन नहीं था कि आप इंडियन बैंक का एटीएम कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करके ले सकते थे, लेकिन आप इसके मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग से अप्लाई करके ले सकते हैं। तो देखिए, किसी भाई ने ये चीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया हुआ है। देखिए, बता रहा है कि इंडियन बैंक डेबिट कार्ड अप्लाई मोबाइल बैंकिंग से चालू कर दिया है। तो चलिए आपको बताते कैसे आप इसके मोबाइल बैंकिंग से आप एटीएम कार्ड अप्लाई करके ले सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको देखिए इंडो एसिस को डाउनलोड करना होगा अपने प्ले स्टोर पर से। आप देख सकते हैं हम डाउनलोड कर लिए। उसके बाद यहाँ से आपको ओपन कर लेना होगा। जब आप इसको ओपन करते कुछ ऐसा डिस्प्ले मिलेगा। इससे पहले आपको इसका एक्टिवेशन अर्थात रजिस्ट्रेशन करना होता है। कैसे कीजिएगा हम डिटेल पूर्वक वीडियो कर दिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके बाद अपना यहां से एम पिन डाल करके इसमें हम लॉगिन सक्सेसफुल कर लेंगे। जब लॉगिन करते तो कुछ ऐसा डिस्प्ले आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा अपने एटीएम कार्ड अप्लाई करने के लिए। आपको ऑप्शन मिलेगा यहां देखिए कार्ड्स का, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना होगा। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। इसमें देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा पहले डेबिट कार्ड का, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना होगा एक न्यू एटीएम कार्ड लेने के लिए। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर न्यू डेबिट कार्ड। तो नया एटीएम अप्लाई करने के लिए जस्ट इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां से आपको अपना अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना होगा। जैसे अपना अकाउंट नंबर सिलेक्ट किया देखिए हमें बता रहा है कि ऑलरेडी वन एक्टिव कार्ड, डू यू वांट टू अप्लाई एड ऑन कार्ड। कहने का मतलब हुआ कि हम पहले से इंडियन बैंक का एक एटीएम कार्ड लेकर के रखे हुए हैं, अगर न्यू एटीएम कार्ड फिर से अप्लाई करना चाहते तो यहां से यस के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो भी आपका अकाउंट में नाम रहेगा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा और यही वाला नाम आपके एटीएम कार्ड के ऊपर भी प्रिंट होकर के आएगा। देन यहां से देखिए ऑप्शन मिलेगा डेबिट कार्ड वेरिएंट। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपको टोटल 4 वेरिएंट का एटीएम कार्ड अप्लाई करने के लिए मिल जाता है। पहला मास्टर डेबिट कार्ड इंटरनेशनल, दूसरा रुपए प्लेटिनम डोमेस्टिक, तीसरा रुपए प्लेटिनम इंटरनेशनल और चौथा रुपए क्लासिक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। तो आप यहां से जो भी एटीएम कार्ड लेना चाहते हैं आप उसको ले सकते हैं। अगर इस एटीएम कार्ड के बारे में आप डिटेल पूर्वक जानकारी चाहते हैं कि कितना तक पैसे निकाल सकते हैं, आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं। कार्ड का नाम आपको डिटेल पूर्वक लिखा हुआ मिलेगा। हम जैसे देखिए रुपए प्लेटिनम डोमेस्टिक कार्ड चाहते हैं, हम यहाँ से सेकेंड को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाए देखिए ग्रीन पिन। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं दो ऑप्शन मिलता है, ग्रीन पिन और फिजिकल पिन। अगर आप ग्रीन पिन को सिलेक्ट करते हैं तो आपके नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और वो ओटीपी 15 दिन के लिए वैलिडेट होगा। एटीएम कार्ड जब आपको मिल जाएगा तो आप इंडियन बैंक के किसी नियरेस्ट के एटीएम मशीन में जाकर आपको एटीएम पिन बनाना पड़ेगा। अगर आप फिजिकल पिन को सेट करते तो आपको एटीएम कार्ड के साथ ही जब घर पे डिलीवर करेगा एटीएम कार्ड तो आपको एटीएम पिन भी मिल जाएगा। हम यहाँ से ग्रीन पिन को सिलेक्ट कर लेंगे, आप जो भी चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या आपको एटीएम कार्ड के बारे में कुछ लिखा हुआ भी मिल जाएगा, आपको एटीएम के लिए कितना चार्ज लगेगा आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके डिटेल पूर्वक जान सकते हैं। देखिए लेकिन मेरा थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है इसलिए से शो नहीं हो रहा है। हम यहाँ से बैक आ जाएंगे और आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपको एटीएम लेने के लिए फर्स्ट ईयर कोई भी चार्ज नहीं लगा। देखिए आपको सेकेंड ईयर आप चेक कर सकते हैं, सेकेंड ईयर आपको चार्ज देना होगा। आपको 150 रुपये का चार्ज प्लस सर्विस टैक्स जो भी होता है आपके अकाउंट से कटेगा एटीएम लेने के लिए। एटीएम लेने के लिए फिर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होगा, फिर से आपको एक बार डिटेल दिखा देगा, आपको फिर कन्फर्म पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जो भी आपने ट्रांजैक्शन पिन बनाए होंगे एक्टिवेट करने के दरमियान इस मोबाइल ऐप को आपको ट्रांजैक्शन पिन डाल देना होगा। देन आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। तो देखिए बोल रहा है प्लीज वेट, तो आपको कुछ सेकंड यहां से वेट कर लेना होगा। आपको यहां से सक्सेसफुल एटीएम कार्ड एक रिक्वेस्ट ले लिया जाएगा। तो देखिए सक्सेसफुल डेबिट कार्ड अपील सक्सेसफुल, आपको एक रेफरेंस नंबर भी मिल जाएगा। देखिए बोल रहा है डियर कस्टमर, मास्टर वर्ल्ड डेबिट कार्ड इंटरनेशनल ये कार्ड अप्लाई किए हैं, किस डेट में किए हैं, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। अब आपको यहाँ से वेट करना होगा लगभग 2 सप्ताह। 2 सप्ताह के अंदर में आपके घर पे एक नया एटीएम कार्ड इंडियन बैंक डिलीवर कर देगा। अगर आप फिजिकल वाला सिलेक्ट किए होंगे तो आपको एटीएम पिन भी मिल जाएगा, लेकिन देखिए हम ग्रीन पिन को सिलेक्ट किए हुए हैं अर्थात हमें एक ओटीपी रिसीव होगा। उसके बाद हमें अपने नियरेस्ट के एटीएम मशीन में जाकर के इंडियन बैंक के एटीएम मशीन में एटीएम पिन बनाना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से आप इंडियन बैंक का एटीएम कार्ड ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई करके ले सकते हैं इसके मोबाइल ऐप से। अब आपको यह सर्विस मिल जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मन में कोई कन्फ्यूजन कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।